नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता चौधरी ओम साईराम फूड किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल और पनीर की भुर्जी की रेसिपी। ये बिल्कुल नई रेसिपी है और इस रेसिपी में हम जो हमारे घर में दूध खराब हो जाता है, कई बार फट जाता है, उससे निकला हुआ छेना भी यूज कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में वही यूज किया है, लेकिन आप पनीर को क्रश करके पनीर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मिक्स वेज पनीर भुर्जी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ पर दो आलू कट कर लिया है, एक फूल गोभी को कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में ही कट करना है हमें सभी चीजों को। दो गाजर मैंने कट कर लिए और एक बाउल मैंने लिए हरी मटर। ग्रेवी बनाने के लिए तीन टमाटर को कट कर लिया है, एक प्याज को कट कर लिया है और लगभग सात लिए हैं मैंने लहसुन की कलियां। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और घर में जो दूध फट जाता है उस दूध को मैंने छान करके अच्छे से धो करके हाथ से क्रश कर लिया है। लेकिन अगर आप मार्केट से पनीर लेके आए हैं तो पनीर को कद्दूकस से घिस करके बारीक बारीक कर लें और हाथ से क्रश भी कर सकते हैं। तो अगर घर में कभी भी आपका दूध खराब हो जाए या हल्का फट जाए तो उसके अंदर एक चम्मच सिरका डाल करके अच्छे से बॉईल कर लें तो वो अच्छे से फट जाएगा, छेना बन जाएगा उसका। और उसके बाद से किसी छलनी में निचोड़ करके अच्छे से दो से तीन बार धो ले पानी से और उसके बाद उसे छलनी में ही निचोड़ने दे तो हमारा पनीर तैयार हो जाएगा। धोने से क्या होता है कि सिरके की स्मेल नहीं आती है हमारे पनीर के अंदर। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में चार चम्मच तेल गरम कर लिया है और अब मैं सारी वेजिटेबल्स को डाल दूंगी कढ़ाई के अंदर। तो हम लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करेंगे इसी तरीके से कढ़ाई में और बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि एक साइड से ना जले और सारी सब्जी इक्वली फ्राई हो जाए और कुक भी हो जाए। तो इस प्रोसेस में हमारा 6 से 7 मिनट ही लगेंगे और गैस फ्लेम को हाई रखना है। और देखिए जो गोभी है, आलू है, वो फ्राई भी हो चुके हैं, थोड़े ब्राउन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आलू चेक कर लेती हूँ एक बार। ये देखिए थोड़े आलू हमारे कुक भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक करके कुक कर लूंगी। तो दोस्तों, हमने सब्जियों को यहाँ पर 2 मिनट के लिए ढककर कुक कर लिया है। तो हमारी जो सब्जियां हैं वो देखिए फ्राई भी हो चुकी हैं और कुक भी हो चुकी हैं। तो अब निकाल देते हैं हमने एक प्लेट में। तो हमने यहाँ पर थोड़े से तेल में सब्जियों को फ्राई भी कर लिया है और कुक भी कर लिया है, हमने इन्हें डीप फ्राई नहीं किया है। दोस्तों, मैंने सब्जी को एक बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पर डालूंगी मैं 2 चम्मच तेल। तो देखिए हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब डालेंगे हम इसमें कटी हुई प्याज, लहसुन और इन्हें थोड़ा ब्राउन होने से भून लेंगे। तो जो हमारी प्याज है, लहसुन है, वो हल्की ब्राउन हो चुकी है। तो अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, 4 हरी इलायची और कट किया हुआ टमाटर। दोस्तों, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब डालेंगे हम आधा बाउल पानी, 1 चम्मच नमक और इसे ढक देंगे और ढककर बस 2 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। दोस्तों, जो हमारा टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके बारीक पीस लेंगे। दोस्तों, जो ग्रेवी का सामान था वो हमने ठंडा करके पीस लिया है, देखिए बारीक पीस चुका है। और सेम कढ़ाई ली हमने, उसी कढ़ाई में 4 चम्मच तेल को डाल करके गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी तेल में 1 तेज पत्ता तोड़ करके बीच से और 1 दालचीनी तोड़ करके बीच से। तो अभी गैस फ्लेम को हमने कम कर दिया है और अब डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और अब डालेंगे टमाटर, अदरक लहसुन वाला पेस्ट। तो अब हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए कुक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है।
और जो तेल है ग्रेवी के ऊपर तैरने लग गया है, तो अब डालेंगे इसमें हम आधा बाउल पानी, एक चम्मच नमक, टमाटर को कुक करते हुए एक चम्मच नमक हमने पहले डाला था, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ग्रेवी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और जैसे ही इसमें बॉईल आने लग जाएगा हम डालेंगे इसमें क्रीम। तो अगर आपके पास क्रीम नहीं है या आप क्रीम नहीं डालना चाहते तो आप घर में दूध से निकली मलाई को फैट कर उसे भी डाल सकते हैं। देखिए ग्रेवी में एक अच्छा बॉईल आ रहा है, अब डालेंगे इसमें हम क्रीम। तो यहाँ पर हमने लगभग 6 बड़े चम्मच क्रीम डाला है, और क्रीम को डालने के बाद हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से बॉईल ना होने लग जाएंगे। दोस्तों बॉईल अच्छे से आ रहा है, अब डालेंगे हम इसमें मिक्स वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखी हुई है, और अच्छे से मिला देंगे यहाँ पर। और इसमें डालेंगे हम पनीर जो हमने क्रश करके रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो सब्जियाँ हैं, पनीर है, सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये वाली सब्जी थोड़ा ड्राई रखना चाहते हैं तो ड्राई रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लिक्विड ही बनाएंगे। तो यहाँ पर आधा बाउल पानी वो डालेंगे, तो अब हम इसे ढक देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार है, और सबसे लास्ट में डालेंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच रेड चिली सॉस, दोस्तों हमारे यहाँ पर चटपटी सब्जी बनके तैयार है। तो चलिए करते हैं अब सर्व। दोस्तों यहाँ पर सर्व करते टाइम डालेंगे हम थोड़े से काजू कट किए हुए, एक हरी मिर्च,